कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें अपना कमर्शियल इंटरेस्ट जो है उसको अचीव करना था उन्हें इन ओवरसीज <coughs> कंट्रीज तो इन ओवरसीज कंट्रीज में इस कमर्शियल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टबलिश किया गया सो दैट इज व्हाई द ईस्ट इंडिया वॉज इनकॉपरेटेड इन इंग्लैंड ऑन थर्टी दिसंबर 1600 हंड्रेड बाई चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ठीक है और यहाँ पर कंपनी को इसका ऑफिशियल टाइटल मतलब ऑफिशियल नेम जो कंपनी का था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका जो पूरा नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज जो है कंपनी का पूरा नाम था इनिशियली द कंपनी वॉज इस्टाब्लिश फॉर अ पीरियड ऑफ फिफ्टीन ईयर्स सो फिफ्टीन ईयर्स के लिए जो है कंपनी को एस्टाब्लिश किया गया था बट द ब्रिटिश क्राउन वॉज एम्पावर्ड टू रिवोक द चार्टर इवन अरलियर सो यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन को एम्पावर्ड कर दिया गया था मतलब उसको पावर दे दी गई थी कि वो जो चार्टर को है जो है रिवोक कर सकती है ऑन टू ईर्स ऑफ नोटिस इफ ट्रेड कैरिड बाय द कंपनी डिड नॉट अपेयर टू बी profitable. सो so अगर कंपनी अगर कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेड कैरी नहीं करती है सो so क्राउन जो है वो चार्टर को रिवोक कर सकते हैं अब किस आ, कौन से रूट से कंपनी कैसे आ, जो है ट्रेड कैरी करेगी कौन सा रूट फॉलो करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ तो कंपनी वॉज टू तो इन्जॉय एन एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट ठीक है कंट्रीज लेइंग बियॉन्ड द केप ऑफ गुड होप इट्स वर्ड्स टू स्टेट्स ऑफ मेगालन तो कंपनी जो है केप ऑफ गुड होप से तो स्टेट्स ऑफ मेगालन तक जो है जो है अपना ट्रेड कैरी करेगी एंड वो एक सी रूट ही फॉलो करेगी तो वो सी रूट के थ्रू जो है अपना ट्रेड करेगी नो ब्रिटिश सब्जेक्ट वॉज परमिटेड टू कैरी ऑन एनी ट्रेड विद इन दिस एरिया विदाउट अ लाइसेंस फ्रॉम अ कंपनी सो अगर कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट है अगर उसको ट्रेड करना है तो उसको कंपनी से क्या है कि एक लाइसेंस ऑपरेंट करना पड़ेगा तभी वो इस एरिया में जो है ट्रेड कैरी करेगा और जो भी अनऑथोराइज ब्रिटिश ट्रेडर है वो लाइबल रहेंगे फॉर द्यूचर ऑफ देयर शेप एंड वट एवर गुड्स वर कैरिंग एट द टाइम ऑफ द कंपनी वर टू बी कंडक्टेड ऑन द डेमोक्रेटिक लाइन चार्टर ये बोलता है कि जो भी अफेयर्स रहेंगे कंपनी के वो डेमोक्रेटिक लाइन्स पे ही कंडक्ट किए जाएंगे अब जो भी मेंबर्स हैं कंपनी के वो एक जनरल कोड बनाएंगे ठीक है ऑल दीज में और हर साल जो है एवरी ईयर इन मेंबर्स को जो है इलेक्ट किया जाएगा और इन मेंस को बोला गया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ठीक है सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो गवर्नर है एंड ट्वेंटी फोर डायरेक्टर है तो एक गवर्नर और ट्वेंटी फोर डायरेक्टर्स जो है ये दोनों मिलकर जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे और ये जो कंपनी के अफेयर्स हैं उसको मैनेज करेंगे द गवर्नर एंड डायरेक्टर्स वर टू होल्ड ऑफिस फॉर द ईयर ऑफ फॉर वन ईयर ठीक है तो जो गवर्नर हैं एंड जो भी डायरेक्टर्स हैं वो एक साल तक जो है अपना ऑफिस जो है होल्ड करेंगे और यहाँ पर जनरल कोर्ट जो है इन या गवर्नर को या डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ठीक है एक साल के पहले ही इनको जो जनरल कोर्ट अगर लगता है तो वो निकाल सकती है और किसी नए पर्सन को इलेक्ट कर सकती है फॉर द रिमेनिंग ईयर अब हम लेजिस्लेटिव पावर जो है कंपनी की जो है वो डिस्कस कर लेते हैं सो so, जनरली जो भी लेजिस्लेटिव पावर दी गई थी कंपनी को वो लिमिटेड दी गई थी एंड कंपनी को restrict, रेस्ट्रिक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ठीक है तो अगर कंपनी जो भी पनिशमेंट है वो इम्पोज करेगी वो सिर्फ फाइंस करेगी ठीक है वो फोर फीचर्स कर सकती है और इम्प्रीजमेंट दे सकती है मतलब वो एक तो वो जो भी आ, अगर कोई भी अनऑथोराइज ट्रेडर अगर उनको मिलता है तो उनके सामान को भी सीज कर सकती है ठीक है उन पर फाइन्स जो है वो इम्पोज कर सकती है अगर सर्वेंट जो कंपनी के जो सर्वेंट है अगर वो कुछ क्राइम कर रहे हैं तो उनको कोई हार्शर पनिशमेंट नहीं देंगी उनको छोटी पनिशमेंट दे देंगी उनको इम्प्रीजमेंट दे दिया जाएगा बट कोई भी सीरियस क्राइम के लिए जैसे कि कैपिटल सेंटेंस मतलब कोई भी कैपिटल सेंटेंस जो है वो कंपनी अवॉर्ड नहीं कर सकती है कंपनी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और यहाँ पर चार्टर ने कोई भी रेफरेंस मेंशन नहीं किया है चार्टर में कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया है कि कोई भी वो टेरिटोरियल जो है पावर जो है वो एंजॉय कर सकती है ठीक है तो कोई भी टेरिटोरियल पावर जो है कंपनी को यहाँ पर नहीं दी गई थी ठीक है सर कंपनी जो है कुछ लॉस को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है कुछ ऑर्डर्स दे सकती हैं फॉर द बेटर एडवांसमेंट एंड द कंटिन्यूंस ऑफ इट्स ट्रेड एंड ट्रैफिक सो अच्छी ट्रेड के लिए और अच्छे से जो भी उनको सर्वेंट्स हैं इन सब को मैनेज करने के लिए जो है कंपनी अपने लॉज बना सकती है और इन लॉज के थ्रू वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है पर इन शॉर्ट मैं आपको यही बताऊंगा कि जो कंपनी है वॉज ग्रांटेड सर्टन लिमिटेड पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन ठीक है सो थैंक यू गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको सजेशनस आप बताना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट में मैंशन कर दीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में उन सजेशंस पे काम कर कर जो है आपको एक इम्प्रूव वीडियो मिलेगा प्लीज गाइज अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब है